हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बार फिर से एडिटोरियल एनालिसिस, साथ ही साथ ट्रेंडिंग न्यूज रीडिंग पोर्शन को भी कवर करेंगे और ग्रामर भी इससे कवर होगा। वोकैबुलरी में देखेंगे हम लोग इनटू साइनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ। ये डेली लाइव 6 AM में शुरुआत होती है। फ्री PDF डेली मिलेगी आपको, वीकली का PDF भी, मंथली का PDF भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाए। आज 9 अप्रैल 2023 है, सुबह का 6 बजे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हुए हैं फर्स्ट वर्ड आपका है अनएनिमोसली। क्या अनएनिमोसली? जो कि एक एडवर्ब है। ऑफ वन माइंड विथाउट डिसेंट, मतलब कि एक मत होकर या सर्वस, क्या एक मत होकर। इसका साइनोनिम हो जाएगा यूनाइटेड, सॉलिड, एग्रीड, एकॉर्डेंट। साथ ही साथ एंटोनिम इसका कॉन्फ्लिक्टिंग, अपोजिंग, डाइवर्सिटिफाइड, कंट्रोवर्सियल। एग्जांपल में इसका हम लोग ले सकते हैं द सीनेट अनएनिमोसली अप्रूव्ड द बिल। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है इम्फैटिक। क्या? नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्फैटिक, जो कि एक एडजेक्टिव है। एन इम्फैटिक रिस्पॉन्स और स्टेटमेंट इज वन मेड इन ए फोर्सफुल वे बिकॉज द स्पीकर्स फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। मतलब कि इसका हिंदी हुआ जोरदार या मजबूत या सुनिश्चित। क्या? जोरदार, मजबूत। तो टाइपिंग इधर यहाँ पे हो गया, इसका आंसर क्या होगा? जोरदार या मजबूत। साइनोनिम इसका हो जाएगा फोर्सफुल, असर्टिव, पॉजिटिव, डोगमेटिक। एंटोनिम एम्बिगुअस, फेंट, इनसिग्निफिकेंट, डाउटफुल। इम्फैटिक मतलब क्या? जोरदार से किसी बात को कहना या मजबूती तरीके से। हिज रिस्पॉन्स वॉज इमीडिएट एंड इम्फैटिक। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड आपका है टर्मोल। क्या? टर्मोल जो कि एक नाउन है। टर्मोल इज ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, अनसर्टेनिटी और ग्रेट एनजाइटी। मतलब कि असमंजस, इसका हिंदी टर्मोल का क्या? असमंजस में या शोरगुल या खलबली, हलचल या फिर अनिश्चितता एवं अवस्था की स्थिति। इसका साइनो क्या होगा? डिसऑर्डर या कमोशन, चाउस, कन्फ्यूजन। एंटोनिम इसका काम, पीस, ऑर्डर, हारमोनी। हिज माइंड वाज इन टर्मोइल। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे हम लोग। नॉट विथ स्टैंडिंग, जो कि एक प्रीपोजिशन है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या? एक प्रीपोजिशन है। इसका हिंदी मतलब हुआ के बावजूद या तथापि या यद्यपि या हालांकि। इसका साइनो क्या होगा? नेवर थेलेस, नन थेलेस, थाउ स्टील, डिस्पाइट, हाउ इवर। एंटोनिम इसका देखेंगे एज ए रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। इसर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछले आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसर्सन, इसर्सन जो एक नाउन है। ई स्टेटमेंट दैट से यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, मतलब कि दावा करना या दावा। इसर्सन मतलब क्या? दावा या दृढ़ कथन। क्या? दृढ़ कथन। साइनोनिम इसका हो जाएगा डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन, कंटेनेशन। एंटोनिम डेनियल, रिजेक्शन, डिसप्रूफ, चैलेंज। एग्जाम्पल मेरिट नॉट कास्ट मैटर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट। असर्ट मतलब क्या? दावा करना या दावा या दृढ़ कथन। रिसाइलेंट, रिसाइलेंट जो कि एक एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ इलनेस, ए शॉक, चेंज, ETC। मतलब परिवर्तन एवं बदलाव को सहने में समर्थ या लचीला। क्या? परिवर्तन एवं बदलाव को सहने में समर्थ या लचीला। इसका साइनो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल, स्टेबल। एंटोनिम फ्रेगल, डिलिकेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे हम लोग।
स्पेक्ट्रे, स्पेक्ट्रे जो एक नाउन है, समथिंग अनप्लीजेंट दैट पीपुल आर अफेयर्ड माइट हैपन इन द फ्यूचर, कोई आने वाला संकट जिसकी आशंका हो, क्या कोई आने वाला संकट जिसकी आशंका हो। साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका, घोस्ट, फैंटम, स्पिरिट, विजन। एंटोनिम डिवाइन नेचर, बिग अपॉर्चुनिटी, ग्रेट पोटेंशियल। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे बच्चों, अनअवेटेड। अनअवेटेड जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिंदी में क्या, निरंतर या ज्यों का त्यों या बिना कमी के, क्या निरंतर या बिना कमी के या फिर ज्यों का त्यों। साइनोनिम हो जाएगा रिलेंटलेस, अनरिलेंटिंग, अनरिमिटिंग, अनरिड्यूस्ड, अनमिटिगेट। एंटोनिम चेंज्ड, अनइंडूरिंग। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे हम लोग, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। रिसेशन, रिसेशन एक नाउन है, ये पीरियड व्हेन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑफ ए कंट्री इज नॉट सक्सेसफुल, यानी मंदी का दौर चल रहा है, उसको क्या बोल सकते हैं रिसेशन। आजकल मंदी का दौर चल रहा है किसी भी काम में, या किसानों जो बेचते हैं अपना अनाज वो मंदी के दौर में। रिग्रेशन, डिप्रेशन, डाउन टर्न, स्लैम्प, डिक्लाइन, ये सब क्या रिसेशन का साइनोनिम है। एंटोनिम देखेंगे एडवांस, प्रोग्रेस, बूम, ग्रोथ, ये सब क्या है एंटोनिम से है रिसेशन का। नेक्स्ट बात चलेंगे जुडिशियली, देखिए फिर से आगे प्रीवियस दो तीन दिन पहले भी पेपर में था, फिर से हम लोग ले दिए, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियली जो कि एक एडवर्ब है, इन ए प्रूडेंट मैनर, मतलब इस समझदारी से क्या, या बुद्धिमानी से या सावधानी से। साइनोनिम हो जाएगा प्रोविडेंटली, केयरफुली, वाइजली, सेंसिबली, प्रूडेंटली। इसका साइनोनिम क्या प्रूडेंटली। एंटोनिम इम्प्रूडेंटली, केयरलेसली, फुलिशली, बैडली। नेक्स्ट बार चलेंगे हम लोग प्रोग्नोस्टिकेशन, क्या प्रोग्नोस्टिकेशन जो कि नॉन है, इसका मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी या पूर्वानुमान या सकून, क्या हो जाएगा सकून या फिर लक्षण। साइनोनिम पोर्टेंट, प्रिडिक्शन, साइन, फोरकास्ट। एंटोनिम एश्योरनेस, काम, सर्टिट्यूड, कन्विक्शन, ये सब इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट चलेंगे एलिवेटेड, जो कि एक वर्ब है, एलिवेटेड मतलब होता है किसी का, सॉरी एलिवेटेड मतलब होता है किसी का उत्तर या उच्चतर पद पर पहुंचना, किसी का क्या उच्चतर पद पर पहुंचना, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, उच्चतर पद पर पहुंचना। साइनोनिम हो जाएगा हाई, लोफ्टी, एक्सालेट, रेज्ड। एंटोनिम बिल, बेस, लिटल या। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इमिनेंट, इमिनेंट जो कि भी एक वर्ब है, इसका मतलब इफ समथिंग इमिनेंट्स फ्रॉम समवेयर इट्स कम फ्रॉम देयर, मतलब कि निकलना या उत्पन्न होना या प्रकट होना, प्रकट होना। साइनोनिम हो जाएगा इमर्जेंट, इमिट, इशू और ओरिजिनेट। एंटोनिम अब्जॉर्मिंग, चेक, डिपार्ट, डिसअपीयर। नेक्स्ट बार चलेंगे बेसेट, बेसेट जो कि एक वर्ब है, इसका अर्थ थोड़ा बुरा अथवा हानिकारक या भाव डालना क्या बुरा या अथवा हानिकारक भाव डालना, प्रभाव डालना, क्या हानिकारक प्रभाव डालना। साइनोनिम हो जाएगा हरास, ट्रैवल, अफ्लिक्ट, मोलेस्ट, प्लेगियो। एंटोनिम हो जाएगा डिफेंड, प्रोटेक्ट, एड, असिस्ट, सपोर्ट। नेक्स्ट पर चलेंगे एमिड, एमिड जो कि एक प्रेपोजिशन है, या इसका मतलब होता है के बीच में या मध्य में, यानी के दौरान। इसका साइन हो जाएगा एमोंग, बिटवीन, एमिडेस्ट, ड्यूरिंग। एंटोनिम बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट, फार अवे, ये सब इसका एंटोनिम है। फोडर, फोडर जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है पशुओं को चारा डालना। इस एंटोनिम क्या हो जाएगा फीड, फोडर, हे, अस्ट्रा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पिथली, पिथली जो कि एक एडवर्ब है, इसका मतलब सार गर्भित, क्या सार गर्भित, यानी सेंटेंशियली, कर्टियली, ब्रीफली, कॉन्सिसली या शॉर्टली। एंटोनिम लेंथली,
एंडलेसली, सब इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सस्टेंस। क्या सस्टेंस, जो कि एक नाउन है। सस्टेंस इज ए फूड और ड्रिंक विच इज पर्सन एनिमल और प्लांट नीड्स टू रिमेन अलाइव एंड हेल्दी। इसका हिंदी अर्थ होता है निर्वाह एवं संपोषण के लिए आवश्यक आहार। साइनोनिम क्या हो जाएगा, फूड, न्यूट्रिमेंट, मेंटेनेंस, सपोर्ट, एगोनी, डिप्रेस, लॉस, अब्यूज। चलिए आज के लिए इतना ही, सॉरी एक दो वर्ड आओ हैं। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है, अस्पष्टता। प्रिसीजन का हिंदी अस्पष्टता। द क्वालिटी ऑफ वेइंग क्लियर और एग्जैक्ट, यानी क्लियर अस्पष्ट। साइनोनिम क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी, प्रिसिशनेस, क्लैरिटी, एग्जैक्टनेस। इनएक्यूरेसी, इम्प्रिजनेस, फैल्सिटी, एरर, बर्गलिंग। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और इसका पीडीएफ लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।